नमस्कार साथियों, मैं विपिन जसवाल, प्रिंसिपल दून वैली कैम्ब्रिज स्कूल जीरा, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व गर्व का दिन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तब से लेकर के आज तक हिंदी भाषा को हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम इसके प्रचार और प्रसार कर सकें। हिंदी भाषा भी हमें एक दूसरे से वैसे ही जोड़ के रखती है, जैसे एक माला के मोती मन के एक दूसरे से पिरोने से एक माला का संयुक्त रूप तैयार करते हैं, वैसे ही ये हिंदी भाषा भी हमें एक दूसरे के साथ अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को साझा करने के लिए जोड़ती है। हिंदी, हालांकि भारत के कुछ प्रांतों में हिंदी का प्रचलन बहुत कम है या काम चलाओ जस्ट एक काम निमित्त मात्र है, पर वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इस हिंदी भाषा के प्रचलन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो हिंदी भाषा संगठन समिति थी, उसने 14 सितंबर 1953 को यह घोषणा की कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। हम भारतीय, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर किसी और देश दुनिया की बात करूं, तो वहाँ पे उस देश की जो भाषा है उसको मुख्यतः यूज प्रयोग में लाया जाता है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम भी अपनी जो राजभाषा है इसको प्रयोग में लाएं। हमारे स्वतंत्र सेनानी जो कारगिल में, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, या चाइना के वॉर में, या पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए या जो जीवित बचे, उनकी आज तक की ये लड़ाई अधूरी है। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा चाहते हैं, तो हम सबका ये प्रयत्न होना चाहिए कि उनके इस अधूरे सपने को साकार किया जाए। अंत में अपनी इस स्पीच को, अपनी इन भाषण को यहीं पे विराम देते हुए चंद लाइनें कहना चाहूँगा। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय भारत।